वैसे ये पहली बार होगा कि सार्वजनिक मंच पर मैंने किसी राहुल नामक व्यक्ति को शाबाशी दी होगी। और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे, आओ तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है इस पे चर्चा हो जाए। हम सबको याद है पाकिस्तान से आतंकवादी आए, मुंबई की सड़कों को लहूलुहान कर दिया और दिल्ली में बैठी सोनिया मैडम की सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार, बोलो उससे कौन है मोदी का परिवार, कौन है मोदी का परिवार, कौन है मोदी का परिवार। સ્મૃતિ ઈરાની પોતાના આ પ્રકારના ભાષણ માટે જાણીતા છે. ફરી એકવાર એમણે રાહુલ ગાંધી પર પ્રહાર કર્યા છે અને આ વખતે તો રાહુલ ગાંધીને એમને ચેલેન્જ આપી છે કે મેદાન તમે નક્કી કરો, અમે 10 વર્ષના અમારા કામો તમને ગણાવીશું. એક કાર્યક્રમ દરમિયાન જાહેર મંચ પરથી એલાન કર્યું કે જો મારી વાત અને મારો અવાજ રાહુલ ગાંધી સુધી પહોંચી રહ્યો છે તો મને ખુલ્લા કાનથી સાંભળી લો, તમે મેદાન પસંદ કરો, અમે કાર્યકર્તાઓ આપીશું, ચાલો આપણે ચર્ચા કરીએ તમારા 10 વર્ષ અને મોદી સરકારના 10 વર્ષના કામમાં શું તફાવત છે. અને એવું પણ કહ્યું કે હું ગેરંટી આપું છું કે જો યુવા મોરચાનો કોઈ કાર્યકર્તા અમારો રાહુલ ગાંધી સામે ઊભો રહે અને બોલવાનું શરૂ કરે તો રાહુલ ગાંધી તેની સામેથી ઊભા થઈ અને ભાગી જશે, એટલી તાકાત છે એમાં. તો સ્મૃતિ ઈરાનીએ રાહુલ ગાંધી પર શું તીખા પ્રહારો કર્યા તે સાંભળીએ. ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચા કે દાયિત્વ પર અધ્યક્ષ કે રૂપ મેં समर्पित भावना से कार्य कर रहे हैं ऐसे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और प्रदेश अध्यक्ष राहुल लोणीकर जी का मैं विशेष अभिनंदन करती हूं. वैसे ये पहली बार होगा कि सार्वजनिक मंच पर मैंने किसी राहुल नामक व्यक्ति को शाबाशी दी होगी. उनकी हिमाकत देखिए, जब वो सत्ता में थे तो उनका घमंड ऐसा कि उन्होंने भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं ऐसा एफिडेविट देश की एक कोर्ट में दे दिया. उनका घमंड देखिए कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने दस्तावेज दे दिया कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं. अहंकार आज भी बरकरार है. जब रामलला का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया, अहंकार देखिए, उन्होंने आमंत्रण को ठुकरा दिया. देवेंद्र भाई रस्सी जल गई, बल नहीं गया. इसलिए आज आप सबसे कहती हूं कि हर राम भक्त ने जिसने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, आज पुनः धैर्य दिखाने का समय आया है. हमको उकसाया जाएगा, कुछ लोगों को एआई के माध्यम से, डीप फेक के माध्यम से बरगलाया जाएगा, लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं. और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे, आओ तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है इस पे चर्चा हो जाए. मैं नहीं कहती मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब पक्का नहीं आएंगे तेजस्वी, लेकिन इतनी गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाएगा. और अगर युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता को यह मौका मिले कि जो अन्याय करने के बाद न्याय यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं, उनसे अगर बात करने का मौका मिले तब एक प्रश्न अपनी दीदी की ओर से जरूर पूछना कि प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा,
भारत की सेना के शौर्य को धिक्कार कर राहुल गांधी और उसके नेताओं ने देश की संसद में भारत की सेना से प्रमाण मांगा उनके पराक्रम का। मैं उस महाराष्ट्र में काम कर चुकी हूं जहां पर 26/11 का आतंक हम सब ने अपनी आंखों से देखा। हम सबको याद है पाकिस्तान से आतंकवादी आए, मुंबई की सड़कों को लहूलुहान कर दिया और दिल्ली में बैठी सोनिया मैडम की सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। और उस शाम जब मुंबई लहूलुहान हो रही थी तब मीडिया के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस के युवराज किसी जश्न में शामिल थे। 2014 में हमने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया तो कांग्रेस ने उपहास उड़ाते हुए कहा चाय वाला कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो चाय वाला बना प्रधानमंत्री और आज मुझे इस बात का दुख है कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की तो कहना चाहती हूं हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे कौन है मोदी का परिवार, कौन है मोदी का परिवार।